नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। It's a wonderful movie. Okay, I think each and every individual should see the movie, and it has a wonderful message, so everybody should watch it. अच्छी लगी, it has a wonderful message. बस अच्छा मैसेज दिया हुआ है पब्लिक को जानने के लिए कि वी हैव टू सेव फॉर द गाय को जो किल कर रहे हैं वो आपको सेव करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, ZenCam एंटरटेनमेंट इवेंट्स ने ये स्पॉन्सरशिप का लेके एक अच्छा सा मैसेज देने की कोशिश की है और ये फिल्म बहुत बढ़िया बनी है और अच्छा काम किया है लोगों ने इसमें, और हम भी इसको आगे प्रमोट करेंगे और दूसरे शहरों में लेके जाके उनसे भी हम यही दुआ करेंगे कि आगे बढ़े। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबने देखनी चाहिए मूवी। है क्या कहना चाहिए, एकदम मस्त पिक्चर है, सबको देखने लायक है, सबको देखने लायक है, एकता के लिए और गौ वंश की रक्षा के लिए बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे, गौ माता के लिए बढ़िया, और ये इंडिया की पब्लिक देखना मांगता है। गुरु जी, गुरु जी क्या कहना चाहेंगे गौरक्षक के बारे में? गौरक्षा के बारे में जो कहना है वो इस फिल्म में हम लोगों ने कह दिया है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। अगर आपने पूछा ही तो इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर भारत भूमि पर रहना होगा तो गाय को मैया कहना होगा। गुजरात में कुछ सिनेमा मालिकों ने इसे देखने दिखाने से पहले मना किया था, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद आप क्या कहेंगे उनके लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने मना किया उनके दुर्भाग्य है और जिन्होंने स्वीकारा उनके सद्भाग्य है। बहुत अच्छा है, अच्छा किया है सर। फिल्म में ऐसे थोड़ा देखने सुनने को मिला, थोड़ा सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला, बहुत अच्छा किया। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? महाराज ने जो कहा कि गौ माता, गायत्री और गंगा, ये तीनों की रक्षा कि हम गुजराती हमारे जो हिंदू समाज हो उसको ही उसकी रक्षा करनी जरूरी है, और गौ माता को माता कहना जरूरी। जय श्री कृष्ण, जय कन्हैयालाल की, जय कन्हैयालाल की, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा लगा, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, जो बनाने वाले को भी सबका आशीर्वाद। बसई में हाउसफुल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा थिएटर सीट टू सीट पैक हो गया है, और इससे पहले पता चलता है ये लोग गाय माता को कितना मानते हैं, और ज़्यादातर ये गुजराती पब्लिक है वो गाय माता को बहुत मानती है। गुजरात से भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हाँ जी, गुजरात से हमने कल मैंने वहाँ गोरेगांव में भी किया, उस बार भी अच्छा रिस्पांस था। आगे वसई में जो आज प्रीव्यू है, हाउसफुल है, लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की ये पहली फिल्म है गौ मैया पे, और लोगों बहुत पसंद कर रहे हैं, और ये जो सब्जेक्ट है वो भी इंटरनेशनली चले ऐसा सब्जेक्ट है, हिंदुओं के लिए ये बहुत महत्व की बात है। गौ रक्षा, गौ को माता मानते हैं, और गौ रक्षा पे ये पहली फिल्म जो बनी है बहुत ही बढ़िया है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गौ रक्षा के ऊपर, गौ रक्षक के ऊपर ये पहली बार किसी ने कोशिश की है फिल्म बनाने की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति के ऊपर बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है। लोग इसे देखेंगे, समझेंगे। गौरक्षा सिर्फ एक कानून न रहकर वो जन जन का आंदोलन बने, ऐसे मैं कामना करता हूँ। गौरक्षक के बारे में आज बसई में प्रीव्यू रखा गया है, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आई है। हाँ, काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। मैं इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार कर रहा हूँ, और फिल्म बनाई है हमारे पंकज कुमार गोस्वामी जी ने, और अभिषेक दुबे जी हमारे कलाकार भी है और हमारे निर्माता भी है, और मनोज दत्वानी साहब है जिन्होंने ये लिखी भी है और डायरेक्ट भी किए हैं,
पर एक छोटा सा रोल भी किया हुआ है। इनमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार फिल्म में काम किया, मगर देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि ये पहली बार काम कर रहे हैं। गाय माता की रक्षा करना हम सबका फ़र्ज है और बस यही बात हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जिसमें 33 करोड़ देवता है उसे क्यों मारना, उसकी तो पूजा करनी चाहिए। देखिए एक्चुअली तो फिल्म रेगुलर शो में ही चल रही है, विशेष प्रीव्यू नहीं था, लेकिन जब हमें पता चला कि गोस्वामी पंकज कुमार श्री हमारे सहनिर्माता और एक्टर फिल्म के अभिषेक दुबे जी और ख़ास तौर से परम भगतीय वैष्णव गौ भक्त ऐसे कृष्ण भक्त हमारे सम्माननीय प्रवीणा बेन हितेंद्र जी ठाकुर ने भी हमें अपना कीमती समय दिया, उन्होंने कहा कि गौ मैया पे फिल्म है तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। तो सौभाग्य के गौ रक्षा के इस कार्य में और आपका चैनल और मीडिया भी बहुत सहयोग दे रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सभी को हृदयपूर्वक नतमस्तक मैं यही कहूँगा कि आप सब एक रीत से गौ सेवा ही कर रहे हो। गुरु जी ने एक और बात कही है, अभी इसकी पार्ट टू फिल्म के बाद और सीरियल भी लाने की तैयारी में है, तो किस तरह से अब आगे गौ रक्षा के लिए आप लोगों का कदम होगा? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले हमारा अगला कदम है, हमने सम्माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से समय मांगा है और इस फिल्म को हम लोग हिंदी में डब करना सबसे पहली हमारी प्राथमिकता वो रहेगी कि इस फिल्म को हम हिंदी में डब करके जो हमारे हिंदी भाषी फिल्म के प्रेक्षक है उन तक ये पहुँचाए, क्योंकि जैसे इस फिल्म को पूरा करने के लिए पर्दे तक लाने के लिए हमको 1.5 साल का वक्त लगा, तो मेरे हिसाब से आगे 1 साल का होमवर्क लगेगा जब तक हम लोग सीरियल के लिए रेडी हो जाए। ऐसा नहीं गौ मैया का कुछ भी चलो एपिसोड बना तो दे दो, ये नहीं करना है। आपने देखा होगा, आपकी चैनल ने देखा है कि सभी ऑडियंस 100% ऑडियंस तालियां सीटियां बजा के एक लोग सोचते गौ माता की पिक्चर है क्या होगा, लेकिन क्या है वो ऑडियंस देखने के बाद बोलती है। तो थोड़ा लेट जा रहा है लेकिन मैसेज माउथ पब्लिसिटी का काफ़ी जा रहा है। सबसे पहले तो एक कलाकार के लिए उसकी पहली फिल्म, इतनी अच्छी फिल्म मिलना और इतनी बड़ी फिल्म मिलना और इतने दिग्गज डायरेक्टर जो मनोज नथवानी के अंडर में काम करना, वो एक नवोदित कलाकार के लिए खूब ही खूब गर्व की बात है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।